हाय गाइस, अच्छा मुझे ना इंस्टा फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे आपके आप लोगों के कि पिंपल्स को हमारे पिंपल्स निकल आए या पिंपल्स को हम ख़त्म कैसे करें। अच्छा वैसे तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी एक्नी है या फिर मॉडरेट एक्नी है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, घर के टोटके मत करें। बिकॉज़ क्या पता आपकी स्किन जो है किसी वजह से रिएक्ट कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली हमें जो है हमारे सर में दर्द होता है तो हम मतलब मोस्टली लोग कहते हैं चाय पी लें या कुछ खा लें या सो जाए, ये टोटके हैं। बट हमें जो है रीज़न पता हो तो हमें होता है कि यार रीज़न इस वजह से है, तो तब हम उस पर अमल करते हैं या हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी बीमारी हो हमें। तो इसी तरह स्किन की प्रॉब्लम, पिंपल्स भी एक तरह से, अगर ज़्यादा पिंपल्स हैं तो। सो अगर वैसे आपको ओकेजनली पिंपल्स निकलते हैं तो तब जो है मैं आपको ये कुछ टोटके जो हैं वो रेमेडीज़ जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाई स्टेप। सो लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट नंबर पे है लेमन जूस। अच्छा आप कहेंगे कि यार लेमन तो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है स्किन को, सेंसिटिव स्किन को, रेडिश हो जाती है, किसी किसी को लेमन जो है वो सूट नहीं करता। लेकिन लेमन में ऐसी प्रॉपर्टी होती है लेमन जूस में जो आपके पिंपल को एक्सक्यूज कर देता है, ठीक है। उसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो अगर आपका पिंपल निकला है ऐसे ओकेजनली तो जस्ट वन ड्रॉप टैप करें अपनी से बिल्कुल साफ़ सुथरी फिंगर से, और एक ड्रॉप जो है वो आपने अपने पिंपल पे ऐसे टैप कर लेना है, ठीक है, एंड छोड़ देना है आपको जितना हो सके। और जब भी अगर आप दोपहर को लगाएं तो सूरज की रोशनी में आपने नहीं निकलना, उससे क्या हो सकता है आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है। अच्छा उसके बाद है टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट में अब तो आप कहते होंगे यार ये तो लगाने दांतों पे लगाने के लिए, पिंपल्स पे कैसे। तो पिंपल्स पे इसलिए कि क्योंकि टूथपेस्ट में कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, और हमारा जो पिंपल है वो ऑब्वियसली गर्माइश से पैदा होता है, ऑयल है, कुछ गर्मी की वजह से हो जाते हैं मोस्टली, गर्मी का मौसम है तो हमारे पिंपल्स निकले। तो उसमें जो है टूथपेस्ट में है सॉरी, तो कूलिंग इफेक्ट होता है तो आपके पिंपल को वो कूल डाउन करता है और जो आपका पॉप इसका पिंपल का मुँह निकला होता है उसको सप्रेस कर देता है। तो ऐसे आप लगा दें और जब तक ड्राई ना हो जाए आप लगे रहने दें और फिर आप उतार लीजिए। अच्छा नेक्स्ट है आइस पैक, यानी आइसिंग करनी है अपने अपने फेस पे। देखें पिंपल्स जो होते हैं वो क्लोग पोर्स की वजह से होते हैं, आपके स्किन में जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें डस्ट चला जाता है और फिर वो क्लोग्ड हो जाते हैं, यानी बंद हो जाती है स्किन, तो फिर जो है वो पिंपल्स निकल आते हैं उस गंदगी की वजह से। अच्छा आइस के जो है वो आपके ओपन पोर्स को जो है वो श्रिंक कर देता है। खैर ये तो थी बात की बात, अब पिंपल्स निकल रहे हुए हैं उसको किस तरह से, तो आइसिंग करने से क्या होता है आपका पिंपल जो है ना वो सप्रेस हो जाता है, यानी बैठ जाता है और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लग जाता है। तो आइसिंग आप ज़रूर कीजिए, और मुझे अगर बताएं कि आप सिंपल पानी से आइसिंग करना नहीं चाहते, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव आप चाहते हैं कि आपकी आइसिंग हो, तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं आपको डिफरेंट आइस क्यूब्स की जिसमें बनाने की रेमेडीज़ बताऊंगी कि किस किस चीज़ से आप अपने आइस क्यूब्स में जो है वो आप फ्रीज़ करें और लगाएं। जैसे एलोवेरा के जेल को आप फ्रीज़ कर दें, ककम्बर जूस स्किन के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम तो वैसे मेरा तो मोस्ट फेवरेट ये है एक रेमेडी। स्टीम से एक तो हमें सुकून बहुत मिलता है, ठीक है, आपने 2 से 3 मिनट की स्टीम ली है, अच्छा हुआ कि आप पिंपल निकला हुआ, तो क्या वो नेचुरली आपका पिंपल जो है ना फट जाता है गर्माइश से, तो क्या होता है पिंपल्स पॉपअप हो जाता है, उसके अंदर के जो बैक्टीरिया वो निकल जाते हैं, फिर सिंपल टिश्यू से आप साफ़ करें। अपनी स्किन को आप देखें कि आपकी स्किन बंद हुई है, क्लोग पोर्स हुए हुए हैं उसको, तो आप स्टीम लेंगे तो ओपन पोर्स हो जाएंगे, ठीक है। आप उससे क्या अपने फिर उसके बाद फेस वॉश कर लें स्टीम के बाद, आपकी स्किन जो अंदर ही नेचुरली जो है वो क्लीन हो जाएगी, क्योंकि आपके पोर्स ओपन है, आपने क्लीन कर ली और अपने पोर्स को अंदर तक साफ़ कर लिया। उसके बाद आप आइसिंग कर लें ताकि एक प्रॉपर जो है आपकी स्किन जो है वो क्लियर हो जाए। तो जहाँ जब भी आपको पिंपल्स निकलें तो जो मेरा मोस्ट फेवरेट स्टेप है और मोस्ट फेवरेट रेमेडी है कि पहले तो मैं स्टीम लेती हूँ, ठीक है, स्टीम लेने के बाद जो है मैं क्लिंजिंग कर लेती हूँ, क्लिंजिंग के बाद मैं आइसिंग कर लेती हूँ, मैक्सिमम जो है वो 10 से 15 मिनट लगते हैं, और पिंपल्स का मैं ये नहीं कहती हूँ उरनछो हो जाएगा ऐसे, पिंपल्स अपना टाइम जो है वो 2-3 दिन पूरा करके जाता है, जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन क्या हो जाता है हम ख्याल रखते हैं तो क्या होता है कि पिंपल जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से और हमारी स्किन पर बैक्टीरिया निकल आते हैं, बैक्टीरिया फैल जाता है और पिंपल्स निकलते हैं, तो वो होना बंद हो जाता है। अच्छा उसके बाद है टर्मेरिक एंड गार्लिक। अच्छा इन दोनों में ना एंटी बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और टर्मेरिक यानी हल्दी तो बहुत ज़माने कदीम से यूज़ किए जा रही है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल होता है, और गार्लिक में भी। कभी भी पिंपल निकले आपने हल्की सी हल्दी और दूध या शहद में मिक्स करके आपने हल्दी लगा लिया। मैक्सिमम मैं तो जो मोस्टली करती हूँ वो एलोवेरा में करती हूँ अगर कभी हुआ तो।
और गार्लिक भी आपने थोड़े से ले के अपनी स्किन पे हल्का सा रब किया। अगर आप पहले पैच टेस्ट कर लिया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी स्किन किस वजह से रिएक्ट कर ले, तो पैच टेस्ट के लिए आप या तो अपनी बिल्कुल जो जॉ लाइन होती है ना उस साइड पे ज़रा सा वो भी जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं वो टेस्ट कर लें। अगर तो इरीटेशन होती है तो आप यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये थे कुछ रेमिडीज़ जिसकी वजह से हम पिंपल्स को अपने जो है वो रिमूव कर सकते हैं सून एज पॉसिबल। सर मैंने पहले तो बता दी पिंपल्स का, पिंपल्स और बम्स में फ़र्क होता है। बम्स होते हैं जो हमारे फोरहेड पे निकल आते हैं, जिनका मुंह भी नहीं होता और अंदर ही अंदर हम कहते हैं यार इसको निकाले कैसे, इरीटेटिंग होते हैं। मेकअप भी करें तो बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि आपके बम्स निकले होते हैं स्किन पे, नॉन इवन होती है, टेक्सचर भी सही से नहीं होता। तो उसके लिए ये रेमेडीज़ हैं कि आप कोड कंप्रेस करें पहले, तो जहाँ जहाँ आपके फोरहेड पे बम्स निकले हुए हैं आप डायरेक्ट आइसिंग या फिर कपड़े में लपेट के उसे करें। उसे क्या हो जाएगा कि वो बैठ जाएंगे, ये ना क्लॉग पोर्स होते हैं, कब गंदगी की वजह से आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, मेकअप की वजह से हो जाता है, आपकी स्किन की क्लॉगिंग हो जाती है। और एग वाइट भी बेस्ट है, क्योंकि एग वाइट में आप जब उसमें भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि वो आपके जो वाइट हेड्स होते हैं बम्स प्लस लाइक अ वाइट हेड्स, तो उसको रिमूव कर देते हैं। लेमन जूस का मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, एक्सफोलिएशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इस बम्स के लिए। अब एक्सफोलिएशन कहेंगे आप होता है कि एक्सफोलिएशन कहते हैं स्क्रबिंग को, हमारी डेड स्किन्स होती है ऊपर आ जाती है जिसकी वजह से हमारे बम्स पिम्पल्स निकल आते हैं। एक्सफोलिएशन करते कैसे हैं और इसके कितने हम घर पे कुछ किस तरीके से कर सकते हैं मुझे आप बताइएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी। और ये सबसे बेस्ट है आपकी होम रेमेडी बम्प्स के लिए और डेड स्किन्स के लिए। अच्छा, टमाटो जूस जो है ना उसमें लिटरली इज़ द बेस्ट। ये तो आपकी श्रिंक्स जो पोर्स होते हैं उसको श्रिंक कर देता है, आपके एक्नी के लिए बेस्ट है, आपकी मार्क्स पड़ जाते हैं एक्नी पिंपल्स उसके लिए। तो आपने क्या करना है, पहले तो जूस निकाल लें या तो फिर ऐसा कर लें हाफ स्लाइस उसके लिए कि अपने स्किन पे रब कर लिया। ये वाइटनिंग के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है। फिर है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आई गेस आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन ये बेस्ट है यार। मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, बल्कि इससे भी ज़्यादा। मैं बेसिकली इसको ड्रिंक एज अ ड्रिंक लेती हूँ, लेकिन अगर आपके पिंपल्स निकले हुए तो आप इसको टोनर में बना के डायरेक्ट कभी भी यूज़ ना करिए, क्योंकि बहुत तेज़ एसिड होता है। एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल प्योर होता है, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली यूज़ करने को रिकमेंड नहीं करूँगी। टोनर बनाए, ज़रा सा लिया, यानी 1/3 जो है आपने एप्पल साइडर ले लिया और जो है फुल बॉटल जो है ना उसका 1/3, और उसके बाद पानी या रोज़ वाटर आपने जो है वो एज अ टोनर यूज़ करें। आई हाईली रिकमेंड टू यू गाइस कि आप अपनी ना डेली रूटीन में एप्पल साइडर बना रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आने वाली ज़िंदगी में एज अ ड्रिंक, अब अपने आने वाली ज़िंदगी में क्या होता है कि हमें हमारे मेदे की प्रॉब्लम डिटॉक्सिफाई, चलें एक अनदर टॉपिक है, लेकिन मैं एज अ ड्रिंक लेती हूँ निहारमू इसको, ताकि मोटापा, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम्स, बैक्टीरिया वगैरह, तो इसको तो आप कंपल्सरी बना लें। उसके बाद है फुलर अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी। यार मुल्तानी मिट्टी को तो बहुत सुना होगा आपने कि हाँ जी भाई लगाते हैं फिर भी असर नहीं होता, या ऐसी है दिस दैट। तो यार हर चीज़ का तरीका होता है। अगर आपकी स्किन पे सूट करती है तो मुल्तानी मिट्टी को ना एलोवेरा जेल में या दही में मिक्स करके लगाएं। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो एलोवेरा जेल या रोज़ वाटर, या अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो दही में मिक्स करके लगाएं 10 से 15 मिनट में। लिटरली आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना जिसके से पिंपल्स निकलते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, और ये बहुत अच्छी है स्किन के लिए, एक्नी प्रॉन स्किन के लिए। जी हमें तो पता लग गया, इलाज पता लग गया कि पिंपल्स हमने ख़त्म कैसे करना है, लेकिन हमने वजह भी तो जाननी है कि हमारे पिंपल्स हो कैसे रहे हैं। मतलब हमारे हमने अब एक तो चीज़ हम चाहते हैं ना कि भाई हम पे वो टेन्योर ही ना आए, वो टाइम ही ना आए कि हमें पता होना चाहिए ना कॉजेज के, उससे पहले ही है कि इलाज से पहले हम कॉजेज को जान लें ताकि हम पे वो वक्त ही ना आए। तो सबसे पहले होता है एक्युमुलेशन ऑफ अ डेड स्किन सेल, आपकी ना स्किन पे डेड स्किन सेल्स आ जाते हैं, इस वजह से आते हैं। आप स्क्रबिंग नहीं करते, एक्सफोलिएशन नहीं करते, उस वजह से आपकी स्किन जो है ना वो डेड्स हो जाती है, जिस वजह से पिंपल्स आते हैं। फिर है कि आप टीनेज में तो आते हैं यार हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से, तो ये नॉर्मल है, फिर भी ऑब्वियसली अब फिर भी नॉर्मल भी है तो ऑब्वियसली अनोन तो होते हैं, तो इसको नॉर्मल लें। बस आपको टिप्स बताइए, रेमेडीज़ बताइए, तो उस पर फॉलो अप कर लीजिए। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे हुआ यार, इस वजह से कि आपने कभी पिंपल पॉप कर दिया या कोई भी गंदी चीज़ तोलिया शोलिया रब कर लिया, टिश्यू से अपने स्किन पोंछ ली जो सही नहीं था, गंदे हाथ लगा दिए। अच्छा, स्किन पे जो है ना कभी भी फेस पे ना हाथ नहीं लगाने यार, ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है।
उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स यही हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से भी पिंपल्स निकलते हैं। मेकअप जो है नॉन कॉमनजेनिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं मेकअप में तो बेस्ट है, और कॉमनजेनिक प्रोडक्ट्स है यानी मेकअप में वो आपकी स्किन को क्लॉक कर देगा। स्ट्रेस यार, स्ट्रेस की वजह से भी पिंपल्स निकलते हैं, लिटरली मेरे बहुत निकले हैं स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से ना हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे हार्मोन्स जो हम बैक्टीरिया जो होता है यानी सेबेशियस ग्लैंड उससे बनाता है, और सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से हमारे पिंपल्स निकलते हैं। तो स्टे कूल, स्टे काम, स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा बेड़ा गर्क तो अंदर से होना होना है, हमारी ऊपर से भी स्किन का बेड़ा गर्क होता है, डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, अजीब सी शक्ल। तो यार अपने साथ सिंसेयर बने, हमने कॉजेज भी जान लिए, हमें रेमेडीज़ भी हमने फॉलोअप कर ली, अब यार हमें डेली रूटीन में करना क्या चाहिए कि हमें पिंपल्स ना आए। ऑब्वियसली तो सबसे पहले तो हमें अपनी हैबिट्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल, डिटॉक्स वाटर और फिश तो ज़रूर यूज़ करें यार। डिटॉक्स वाटर तो बस बना लेंगे तो हिट साइड से रोटी खाते हैं ना, डिटॉक्स वाटर पे मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस तरह बनाते हैं, डिफरेंट हैं तो मैं आपको बताऊंगी। 3 से 4 नहार मुँह आप पिए यार, बेस्ट है स्किन के लिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अपना हिस्सा बना लें, फिश कभी कभी किसी किसी को सूट नहीं करती, तो फिश में जिंक होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये अपने खाने भी अपने रूटीन में आप बना लें कि आपने इनटेक क्या करना है, और आपने जो इनटेक नहीं करना अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को तो यार ख़त्म ही करते हैं बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो यार महीने में 1-2 दफ़ा बस। चॉकलेट भी डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं यार, चॉकलेट से पिंपल्स निकलते हैं मीठे की वजह से, मैंने पहले भी बताया। चिप्स ऑब्वियसली जंक फूड्स में आ जाता है, फैटी एसिड्स, प्रोसेस्ड फास्ट फूड, लिमिट हाई कोलेस्ट्रॉल फूड यानी ये सारे जो कि लेज वगैरह हो गए, पापड़ शॉपड़, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह, यार ये ना बस मुंह तक ज़ुबान तक ही हैं, ये सिर्फ पिंपल्स नहीं बस ज़ुबान का जायके तक ही हैं, पिंपल्स नहीं लाते सिर्फ मैदे को भी ख़राब करते हैं और भी ढेर सारे मसले मसाए। तो ओबियसली हमें शौक है यार, हमने खाना है, अब क्या करें, कम खाएं यार, चीज़ों को कम करें, बैलेंस रखें, अपनी हेल्दी डाइट बनाएं। अच्छा कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने पिंपल्स को नेचुरली रिड्यूस करना है, रेमेडीज़ वगैरह होगी, लेकिन कुछ टिप्स होती हैं तो वो टिप्स ये हैं कि अपने ना दिन में सिर्फ 2 दफ़ा फेस वॉश करें, सुबह और शाम, ठीक है। उसके बाद अपने कॉस्मेटिक, अपने स्किन पे जो भाड़ा मेकअप किया और बहुत सी चीज़ें जो है ना क्रीम मेशरी में कम से कम लगाएं यार, जितना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे ना उतना ही हमारे साथ काम होता है, ऐसा है ना, स्किन भी हमारी वैसे, ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। क्लींजिंग करें, क्लींजिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग तो डेली करें यार, क्लींजिंग से क्या होता है हम फेस वॉश करते हैं तो हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो भी अब्जॉर्ब हो जाता है, सॉप अब्जॉर्ब कर लेता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप मॉइस्चराइज करेंगे तो हमारा बैलेंस रहेगा पीएच लेवल जो है। फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं डेली यार, वेजिटेबल्स में तो आप ग्रीन लीव्स हैं ना वो तो बस खाते ही रहें, उसके अलावा फ्रूट्स तो सारे ही खाएं। उसके बाद अपना स्ट्रेस नहीं लेना, आपने पहले भी ऐसे नहीं कह देते स्ट्रेस देने का लेने का नहीं, क्योंकि अपने लिए बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद ऑप्ट फॉर आयुर्वेदिक हर्बल फेशियल्स। उसके बाद डोंट बर्स्ट एग्जिस्ट पिंपल्स, जैसा कि पहले बताया, पॉप अप नहीं करना, ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर पानी यार, बहुत पिए, पानी के बहुत फ़ायदे हैं, स्किन ग्लोइंग होती है, बाल अच्छे होते हैं, मोटापा नहीं आता। अपने फेस को हाथ नहीं लगाना, ये कि हेलो पिंपल, हाय हाउ आर यू, ये नहीं। लास्ट है कि आपने जंक फूड को अवॉइड करना है, कम से कम खाएं यार, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ना खाएं, दिल करता है लेकिन कम से कम खाएं। देखें अपनी स्किन का भी तो ख्याल रखना है हमारा, ये नहीं देखना हमने खा लिया हमारा चस्का पूरा हो गया, एट द एंड स्किन बर्बाद हो जाती है, स्किन मोटापा, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल गाइडनेस फॉर यू, फॉर अ पिम्पल स्किन, एक्नी प्रोन स्किन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, बहन, पेरेंट्स, जिसको भी पिंपल्स निकल रहे हैं वो जल्द से जल्द अपनी इस चीज़ को क्योर कर सकें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।